एक साल पहले मारे जा चुके माफिया अतीक अहमद को प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने एक नोटिस जारी किया है। अवैध निर्माण को लेकर अतीक अहमद के नाम पर नोटिस जारी कर दिया गया। नोटिस के मुताबिक टीन शेड लगाकर माफिया के नजूल भूखंड पर निर्माण हो रहा है। साल 2020 में पीडीए ने बुलडोजर चलाकर इस प्लाट पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की थी। माफिया ब्रदर्स की मौत के बाद ही टीन शेड लगाकर निर्माण कार्य शुरू हो गया है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण के खिलाफ ये नोटिस जारी किया है। हैरानी की बात यह है कि नोटिस उसे जारी किया गया है जो अब इस दुनिया में है ही नहीं, जिसकी एक साल पहले मौत हो चुकी है। प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मृतक अतीक अहमद के नाम नोटिस जारी किया है। अवैध निर्माण रोकने के लिए पीडीए की तरफ से ये नोटिस बीते 6 अप्रैल को जारी किया गया है। आपको बता दें कि यूपी के प्रयागराज में 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या हुई थी और इस वारदात के दौरान उमेश पाल की हिफाजत में लगे 2 सिपाही भी मारे गए थे। इस हत्याकांड के सिलसिले में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ समेत कई लोगों को नामजद किया गया था। इसमें से गुड्डू बम्बाज को छोड़कर सभी लोग मारे जा चुके हैं। उमेश पाल की हत्या के बाद 15 अप्रैल को अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस कस्टडी भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।